अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड फॉर अ चेंज इट्स नॉट अबाउट यूके एट ऑल। क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि भाई यूके के अलावा भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया करें कनाडा के बारे में, अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैंने कहा चलें यार अगर देनी है इन्फॉर्मेशन तो इस बारे में दीजिए जिस बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है, हर एक की ज़बान पे यही बात चल रही है। इवन कि मुझसे लास्ट टू वीडियोज़ पर मुझसे किसी ने पूछा था कि प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि हम बहुत सुन रहे हैं इस बारे में। उसके अलावा मुझे 3 लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, तो मुझे लगा कि यार आई शुड टॉक अबाउट इट, एटलीस्ट जो मुझे पता है वो मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। और आज की जो न्यूज़ है वो रिलेटेड टू आयरलैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता कि आयरलैंड सिर्फ एक आयरलैंड नहीं है, यहाँ पे 2 तरह के आयरलैंड है। देखें एक तो ना आयरलैंड टोटली सेपरेट है विच इज़ कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द अदर वन इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है। देखें यूके 4 स्टेट्स कह लें, रीजन कह लें, प्रोविंस कह लें, व्हाटएवर यू कॉल इट, उस पर डिपेंड करता है। इसमें एक आता है इंग्लैंड, अदर वन इज़ वेल्स, देन स्कॉटलैंड एंड फिर आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, वहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होते हैं या जो कुछ भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज फॉलो होते हैं वो एग्जैक्टली वही फॉलो होते हैं जो यूके में फॉलो होते हैं। बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज़ टोटली सेपरेट कंट्री, वहाँ पे उनके अपने लॉज हैं, अपने रेगुलेशन हैं, अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अलग बात है कि वो आज भी बहुत से ऐसे लॉज हैं जो यूके के फॉलो करते हैं, बट दैट्स अनदर डिबेट, दैट्स अनदर टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से ही रिलेटेड है। सो जनाब आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है। और बात यह है कि जी खबरों में आया है, सुनने में आया है कि आयरलैंड आपको फ्री की नेशनलिटी दे रहा है, उसके अलावा वो आपको 2-3 करोड़ कैश अमाउंट ऑफर कर रहा है, ऑन टॉप ऑफ डैट वो आपको घर भी फ्री का दे रहा है। और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो आपको लड़की भी प्रोवाइड कर रहा है शादी के लिए, आपने बस करना ये है कि टिकट करानी है, कुल्ला पहनना है, शेरवानी पहने, सीधा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहुँच जाना है और आपको वहाँ पे सेटल डाउन कर देंगे वो खुद। और लिटरली ये मैं मजाक नहीं करी, इस खबर में सच्चाई ज़रूर है, पर बात ये सच्चाई कितनी है इसके अंदर। सो जनाब बस इसी बात को लेकर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स कन्फ्यूज़ हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको जो सच है वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँ। आपने बस मुझे इतना फेवर देना है कि आपने ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना है अगर आपको अच्छी लगती है तो। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक बनाऊँ, फ्रूटफुल टॉपिक बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक बनाऊँ, जो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर दे। अगर फायदा नहीं भी दे रहे वो फिजिकली, एटलीस्ट वो आपकी नॉलेज में इजाफा जरूर करें। सो जनाब अब ये देखते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई, कितना सच है, कितना झूठ है। सो जनाब जून के महीने में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो कोई भी आयरलैंड के आइसलैंड में किसी जाके बसता है तो उसको वो देंगे 80,000 यूरो या 19,000 USD। अगर आप कन्वर्ट करते हैं ब्रिटिश पाउंड में इट विल बी अराउंड 69,000 पाउंड। ये वो आपको देगा अगर आप उसके किसी भी एक आइसलैंड में जाके बसते हैं। सो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर। देखें आयरलैंड ने एक 10-year पॉलिसी अनाउंस की है जिसका उन्होंने नाम दिया है आर लिविंग आइसलैंड। आयरलैंड के अंदर टोटल 30 ऐसे जजीरे हैं जहाँ पे आबादी नहीं है। ठीक है, जजीरे क्या होते हैं या आइसलैंड्स क्या होते हैं? आइसलैंड वो होते हैं जो एक छोटा सा खुश्की का एरिया होता है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। और ऐसा नहीं कि आयरलैंड दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने कोई अनोखा काम किया, इससे पहले भी यूरोप में ये चीज़ें की जा चुकी हैं। यूरोप में ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज, ऐसी एड फाइनेंशियल लोगों को प्रोवाइड की है। जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ स्पेन की, स्विट्जरलैंड की या इटली की, इन्होंने भी पहले अपने रूरल एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए लोगों को कैश इंसेंटिव दिए थे। लाइक अगर मैं स्पेन की पर्टिकुलर बात करती हूँ तो स्पेन ने कहा था कि भाई हमारे नॉर्थ वेस्ट में अगर जाके आप रहते हैं वहाँ पर हम आपको 2600 पाउंड कैश इंसेंटिव देंगे ताकि आप वहाँ जाएं और अपनी ज़िंदगी बसर करें। इसी तरह इटली ने भी कैश इंसेंटिव लोगों को दिए थे कि अगर आप इटली के विलेजेस में जाके, रूरल एरिया में जाके बसते हैं तो अप टू 30,000 यूरो हम आपको पे करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आयरलैंड दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो ऑफर कर रहा है स्कीम, या आखिरी ऐसा मुल्क है जो ऑफर कर रहा है। आगे भी बहुत से ममालिक ऐसी स्कीम ज़रूर ऑफर करेंगे अपने रूरल एरियाज को प्रमोट करने के लिए। बट द थिंग इज़ जो आयरलैंड ने ऑफर करी है स्कीम, इसका एक क्राइटेरिया है। अच्छा, क्राइटेरिया पे भी बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी ये आइसलैंड क्या है एक्चुअली। ये आइसलैंड वो आइसलैंड है जो आयरलैंड के मेन शहरों से बिल्कुल कट ऑफ है। मतलब यहाँ पे आने जाने के लिए कोई ब्रिज नहीं है, कोई ऐसी ज़मीनी रास्ते नहीं है, कोई रोड का सिस्टम नहीं है कि आप इन आइसलैंड पे जा सकें। सो जो मेन जरिया होगा ना ट्रांसपोर्टेशन का वो बोट का होगा। अगर आप किसी सिटी को विजिट करना चाहते हैं तो आपको बोट लेना पड़ेगी, फिर आप जाएंगे।
अगर आप सवाल करें ना कि यार इस वक्त आइसलैंड कैसे हैं ये, तो आप ये समझ लें कि आप पाकिस्तान के किसी दूर परे के गांव में जाएं, खूबसूरत से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, कोई छोटा सा गांव जो बहुत खूबसूरत सा होगा, लेकिन ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना वो कहीं ब्रॉडबैंड सिस्टम है, मतलब दुनिया से बिल्कुल कट के रह जाते हैं। और वक्त के साथ साथ जो लोग पहले उस आइसलैंड पे रहते भी थे एक ज़माने में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करके शहरों की तरफ चले गए। इस वक्त वो आइसलैंड ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है अगर वो कहीं रह रहा है तो एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज तो एक्सेस में हो उसके। सो आर लिविंग आइसलैंड जो पॉलिसी लाई है, स्कीम लाई है, इसका मकसद यही है कि ये इससे इकोनॉमी बूस्ट करें, अपने आइसलैंड पे आबादी लाएं, पॉपुलेशन लोगों की इंक्रीज हो यहाँ पे एजुकेशन की, हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए लोगों को, और उसके अलावा ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और इनका प्लान है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये काम यहाँ पे शुरू कर देंगे, लोगों को यहाँ पे इंकरेज करेंगे आने के लिए। और आयरलैंड ने 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ जाके रहने में वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, क्या फॉरेनर्स यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और आके अपनी ज़िंदगी नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? सो इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन वही लोग सबमिट करवा सकते हैं जो लीगली आयरलैंड में रह रहे हैं, जिनके पास रेजिडेंस परमिट है, या वो लोग जो लोग आयरिश ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर्स हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं 80,000 यूरो किन को मिल रहे हैं। देखिए जी, 80,000 यूरो का ये चक्कर है कि अगर आपने इन आइसलैंड्स में जाके रहना है तो आपको वहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेज करना पड़ेगी, प्रॉपर्टी भी आपने अपने पैसों से परचेज करनी है, आपको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही इसके अंदर, बट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है प्रॉपर्टी को रिफर्बिश करने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए, जिसके लिए वो आपको देंगे 80,000 यूरो। और प्रॉपर्टी परचेज करने का क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने बहुत साफ लफ्जों में बताया है कि वो प्रॉपर्टी 1993 से पहले की बिल्ट हो और एटलीस्ट वो 2 साल से खाली पड़ी हुई हो। और जो गवर्नमेंट आपको कैश अमाउंट दे रही है वो आपने प्रॉपर्टी पे ही लगाना है, उस कैश अमाउंट को आप किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। चाहे तो उस पैसों से आप घर की दोबारा से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर इंसुलेशन करा सकते हैं, रीडेकोरेशन कर सकते हैं, पूरा रिफर्बिश कर सकते हैं घर, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन वो पैसा आपने अपने घर पे लगाना है, आपकी जात पे वो पैसा नहीं लगना चाहिए। और जब ये लोग कहते हैं ना कि ये पैसा आपने इसी पे यूज़ करना है, तो वो इसका फुली चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और यकीन माने, पूरे यूरोप की बात कर लें, इवन यूके की बात कर लें, जो प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी है वो इतनी खस्ता हालत में होती हैं कि बिना रेनोवेशन किए आप उसमें रह ही नहीं सकते, आपको उस पर पैसा लगाना ही पड़ता है। इसीलिए ये लोग खुद इतनी बड़ी ना कैश अमाउंट आपको दे रहे हैं, आपको इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं, जिसके पीछे इंसान लालच में आके कहे कि अच्छा ठीक है यार, हम उस आइसलैंड पर जाके रहना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट इतना पैसा तो मिलेगा। और अगर आपको कोई कहता है ना कि प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपको नेशनलिटी वगैरह मिल जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन क्राइटेरिया ही यही है कि आपको ऑलरेडी वहाँ का वर्क परमिट या वहाँ पर रेजिडेंस परमिट आपके पास होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भाई पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में एजेंट्स ने अपनी दुकान चमकाना शुरू कर दी इस पॉलिसी के पीछे कि भाई आप हमें 15,000 यूरो या 20,000 यूरो दें, हम आपको आयरलैंड का वर्क परमिट निकाल के देते हैं, आप वहाँ जाएं, प्रॉपर्टी परचेज करें और आप खुशी से ज़िंदगी बसर करें। बट लिटरली इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। और आयरलैंड की गवर्नमेंट ने ये भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि फॉरेनर इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करके यहाँ पे रेजिडेंस नहीं ले सकते, सिटीजनशिप उन्हें नहीं मिल सकती इस तरह से। तो प्लीज़ आप लोगों की बातों में ना आइएगा, लोगों के स्कैम में ना आइएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने साफ लफ्ज़ों में बताया है कि ये जो स्कीम है सारी आर लिविंग आइसलैंड, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लीगली वहाँ रह रहे हैं, ये फॉरेनर्स के लिए है ही नहीं। तो प्लीज़ किसी के स्कैम में मत आइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट की जो न्यूज़ है रिलेटेड टू आर आइसलैंड लिविंग आइसलैंड, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और जितने भी क्वेश्चन आंसर उन्होंने पब्लिश किए हैं मैं वो लगा दूंगी, ताकि आप खुद भी पढ़ें और आपको पता हो कि क्या हो रहा है। चलिए जनाब, इसी नोट के ऊपर आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी या डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरा चैनल। और मुझे अपने फीडबैक के थ्रू जरूर ये बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं मैं फर्दर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में भी ब्लॉग बनाऊँ तो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए जनाब, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।